एवरीवन, दिस इज मी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम चलते हैं मंदिर की ओर। जिस ये मंदिर की वजह से लगी रहना ही मेला। आज हम जा रहे हैं, हाँ, और तो आज हम चल रहे हैं जय श्री गंगा माई द्वार। तो यहाँ पे चल रहा है, इसलिए लगाया जाता है, बुढ़े कोथिक भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे सबसे पहले हम दर्शन करेंगे जय श्री गंगा माई की। और फर्स्ट टाइम मैं भी आ रही हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैंने कभी नहीं आई थी इस मंदिर। भगवान सबको सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ दे। पहले सबसे पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे। आजकल शनि शनि लग रखा है। चलो चलो, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? ये है हमारे नए जवान बच्चे। और कौन कौन लोग अग्निवीर में जा रहे हो? तुम जा रहे हो? दे आर नॉट इंटरेस्टेड, पता है गांव के बच्चे। इसको देख के लग रहा है फौजी भाई। कौन कौन अग्निवीर में जा रहे हैं? आप लोग में से कौन ये जा रहा है अग्निवीर में? है ना, कुकू जोड़े थे अग्निवीर में। इतने घबराना तुम सब? चलो बढ़िया बढ़िया। कौचू हमारा दगड़िया कौ चले दगड़िया। अच्छा, ये उसके मंदिर। ओ मेन मंदिर ये है, योग जाने मंदिर। चलो अपने जूते खोल लेते हैं पहले। जय हो। चलो भोले भंडारी की। जीवन का पहली बार मैं दर्शन कर रही हूँ। आधी जिंदगी कट गई गांव में, पर चलो इधर पकड़। हाँ तू तो जैन क्या, इसको ऐसे पकड़ोगे बेटा? थैंक यू। चलो आज आप लोगों को बताती हूँ कि गैरसैंण मेला क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैं बचपन से, मेरा गांव ही है, मुझे खुद नहीं पता, ताकि लोगों को नॉलेज रहेगा कि क्यों मनाया जाता है गैरसैंण मेला। देखिए को यहाँ पर कोई दो गते बेखाक यानी कि बेखाकी का मेला हम कहते हैं। ये गैर ग्राम के पावन के एक धरातल पर गैर मुख्य बात निकट गंगा माई के मंदिर में होता है। इस मेले का जो आरंभ है ये हमारे पूर्वज को यानी कि जो गौर वंश के पूर्वज हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया। उनकी जो आराध्या देवी यानी कि कुल देवी गंगा माई है, उन्होंने उस टाइम पे यानी कि मनोकामना सिद्ध करने के लिए उनके देवता को पुकारा था, वो गंगा माई थी। तो उनकी मनोकामना पूर्ण होते ही इस देवी की स्थापना इस गैर ग्राम में हुई। और इनकी के आधार पर प्रत्येक वर्ष हर वर्ष जो है बैसाखी का मेला दो गते बैसाख को लगता है यानी कि 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के मध्य लगता है। तो इसी से आज तक हम मनाते आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी हम अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से सुरक्षित रखेंगे और आगे को बढ़ाते रहेंगे। और आप भी जो लव व्हाट यू हैव चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खरीद रही है, भाभी ने भी अपने बेटे के लिए कुछ खरीदा है, खरीद रही है। ये देखिए आपको पसंद आ रहा है बेटा? और यहाँ पे भी एक माँ कुछ ना कुछ खरीद रही है अपनी बेटी के लिए, जरा मैं भी देखती हूँ आपको।
ज्यादातर हर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद रही है यहाँ पे। अगर आप लोगों को गैरसैंण मेला का ये दृश्य अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हंसता हुआ चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, एवरी मदर इज़ बाइंग समथिंग फॉर हर डॉटर, सन, एवरीवेयर, एवरीवन। आपने बाय कर दिया है। ये जो भोपू है मैंने भी अपनी बेटी के लिए लिया है, जो कि मुझे 20 रुपये में पड़ा। और यहाँ पे बहुत सारे टॉय है, बाद में भी जाते टाइम मैं एक बैलून को लेके जाऊंगी। चलो आगे बढ़ते रहेंगे हम। चौकोबार अच्छा, कितनी कितने के पढ़ रही हो? अब यहाँ पे इस ये रामलीला ग्राउंड है और यहाँ पे भी लग रहा है धीरे धीरे अपनी स्टॉल लगा रहे हैं लोग। पहले तुम खा के ये देखो, पहले खा के बताओ कैसा है। कैसे बनाया इन्होंने छोला? आप झूठे तक वो तो नहीं बोल रहे तारीफ, ताकि खारे से पहले थोड़ा हम रिव्यू कर लेते हैं ना। बहुत बढ़िया बना। और यहाँ पे शायद अभी फर्स्ट ग्राहक है ये। अभी कुछ 4-5 खा के चले गए। अच्छा, कम से कम 10-12 खा गए होंगे। आप दिखाओ ना मैडम, तभी तो पता लगे कैसा है, खराब है, सही है। एक खाली वीडियो बना, एक फ्री में, बाकी क्या बाकी YouTube में डाल के कुछ नहीं उन कुछ ना कुछ होगा, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, आपका तो नाम जा रहा है, आपका सकल जा रही है, लोग देखेंगे आएंगे नहीं। सकल कोई बात नहीं, आप कैसा बना रहे हो? पर वो खान को वो चल को वो खोल, ठीक ही बनाना बोला सब। बिल्कुल 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 गड़बड़ सब। अच्छा यख तुम्हारा? अरे चलो यख के, कौन तुम्हारा? हम यख के दिवाई खा। चल दियो एक खा बटी आना। कुछ खा के आते हैं इधर ही खाते हैं। बोला कती रुपए प्लेट चा? 40 रुपए ना, 40 रुपए कती पूरी? दो भटोरे रहे हो, पूरी नहीं हो। चलो भटोरे 40 रुपए प्लेट, चलो खाओ, लगा दो 4 क्योंकि भटोर गरम गरम पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।